अस्पतालों में बेड्स के लिए लोगों की कतार लगी हुई है, हेल्पलाइन के फोन बज रहे हैं और सड़कों पर एम्बुलेंस के सायरन भी। शमशान के बाहर लोगों की भीड़ अपनों के अंतिम संस्कार के लिए टोकन लिए इंतजार कर रही है। सूबे की राजधानी के हालात हर रोज मीडिया की खबरों में बयां हो रहे हैं, लेकिन हकीकत शायद इससे ज्यादा भयावह है। कोरोना वायरस के प्रकोप काल के बीच ये बेबसी उसी लखनऊ शहर के लिए है जिसके स्टेशन पर लिखा है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। यूं तो मीडिया के रिपोर्ट्स में लखनऊ के कोरोना इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल उठाते लोगों की आवाज उस कैबिनेट से आई है जिसके मुखिया खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी सरकार के मंत्री बृजेश पाठक की ये चिट्ठी उन दावों पर पलीता लगा रही है जिसमें कहा जाता है कि यूपी में कोरोना से लड़ने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बृजेश पाठक ने बड़ी हिम्मत के साथ सरकार के दो अफसरों को चिट्ठी लिखकर लखनऊ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। कहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत नाजुक है, जो समस्याएं गिनाई गई हैं वो ऐसी हैं कि न अस्पताल में बेड हैं, न एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है, न मरीज को इलाज मिलता है। ये चिट्ठी उस वक्त आई है जब लखनऊ में इतिहास के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले पद्मश्री योगेश प्रवीण एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण अब गोलोकवासी हो गए। बृजेश पाठक ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि इतिहासविद योगेश प्रवीण को भी एम्बुलेंस नहीं मिली और इलाज ना मिलने के कारण उनका निधन हो गया। मंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि बीते एक सप्ताह से जिले से सैकड़ों फोन उनके पास आते हैं, हम उन सबको ठीक से इलाज नहीं दे पा रहे। मंत्री ने चिट्ठी में लिखा है कि असंतोषजनक हालात को देखते हुए 8 अप्रैल को वो अपनी ही सरकार के एक विभाग में जांच के लिए जाने वाले थे। ये विभाग लखनऊ का स्वास्थ्य विभाग था जिसके सीएमओ कार्यालय में मंत्री को खुद निरीक्षण करना था और व्यवस्थाएं देखनी थी, लेकिन ऐन मौके पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने उन्हें फोन किया और आश्वासन दिया कि व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी, तो मंत्री ने कहा कि आगे देख लेते हैं। मंत्री तो ये भी कहते हैं कि सीएमओ कार्यालय उनका फोन भी नहीं उठाता था। चिट्ठी में बृजेश पाठक ने यह जिक्र किया है कि सीएमओ कार्यालय के अफसर पहले फोन नहीं उठाते थे, हेल्थ मिनिस्टर से शिकायत की तो फोन उठना तो शुरू हो गया, लेकिन आश्वासन ही रह गए, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। बृजेश पाठक की ये चिट्ठी लखनऊ की स्थितियों पर सवाल उठा रही है और चीख कर ये भी कह रही है कि अगर सीएमओ मंत्री का ही फोन नहीं उठाता तो सोचिए अफसरों की मनबढ़ई का आलम क्या होगा। फिर इस स्थिति के बीच लखनऊ में ट्विटर पर लोग मदद मांगते नहीं थक रहे हैं, शमशान में शव को लेकर भटकते भी नहीं थकते, बेड की मनुहार करते, अपने जानने वालों से सिफारिश कराने में भी कहीं से कोई उम्मीद दिखे, बेड मिल जाए, इलाज, और अगर मर जाए तो कम से कम मोक्ष ही मिले। सरकार के तमाम दावों, प्रशासन के इंतजामों और लखनऊ में निरीक्षण करते डीएम के उस बयान को भी समझ लेना होगा जिसमें डीएम साहब खुद कह रहे थे लखनऊ की सड़क पर लोग मर रहे हैं। इनको क्या क्या और चाहिए, इनको क्योंकि लोग रोडों पे मर रहे हैं, लोग रोडों पे मर रहे हैं, लोग रोडों पे मर रहे हैं। सबके बीच बृजेश पाठक की इस चिट्ठी ने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है। विरोधी कह रहे हैं कि सीएम साहब बंगाल में प्रचार करा रहे हैं, सरकार उनसे नहीं चल पा रही। कोरोना की सारी स्थिति के बीच लखनऊ शहर की सड़कों पर डर दिख रहा है, एम्बुलेंस के सायरन सुनाई दे रहे हैं और भागती हुई भीड़ भी। बृजेश पाठक ने उन व्यवस्थाओं को सुधारने का मशविरा दिया है जो आम आदमी के लिए है, लेकिन स्थितियां कितनी गंभीर हैं वो सिर्फ इतने से साबित हो सकता है कि मंत्री को खुद ही अपनी सरकार के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा, चिट्ठियां लिखनी पड़ी और सवाल भी उठाना पड़ा।